प्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। 22 जून मंगलवार को भंडारा जिले के सर्किट हाउस में दोपहर 3:30 बजे पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी खाते के पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी मोर्चा प्रभारी डॉक्टर संजय कुटे उपस्थित थे। इस पत्र परिषद में उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर 26 जून को तीव्र आंदोलन करने की जानकारी दी। इस पत्र परिषद में उनके साथ सांसद सुनील मिंढे, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम गिरे पुंजे व अन्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र में ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण है वो महाविकास आघाड़ी के जो निष्क्रियता है उसकी वजह से आरक्षण रद्द हुआ है। 26 जून को महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र भर चक्का जाम आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, रस्ते पे उतरेगा और ओबीसी का जो असंतोष है वो बाहर आएगा। मेरा आपके माध्यम से यही प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले और ओबीसी के जो मंत्री है वडेट्टीवार साहब और जो ओबीसी के नेता है भुजबल साहब, उनको आह्वान है कि आप अगर ओबीसी का आरक्षण फिर से करने के लिए इंपेरिकल डाटा और प्रोसेस कर नहीं सकते होगे तो आप सत्ता से बाहर जाइए, राजीनामा दीजिए। अगर आपको सत्ता की लालच ही ज़्यादा है तो कम से कम इतना कीजिएगा कि हम जो ओबीसी के पिछले गवर्नमेंट में हम जो ओबीसी के डिपार्टमेंट चलाए, ये 3-4 हम जो लोग हैं ओबीसी के, हमको अधिकार पूरे शासकीय अधिकार दीजिएगा। हमको सत्ता नहीं चाहिए, सिर्फ ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए अधिकार चाहिए, हमको उतना अधिकार प्रदान कीजिएगा। और मेरा आह्वान है कि हम 3 महीने के अंदर ओबीसी का आरक्षण पूर्ववत करके दिखाएंगे, या तो इन्होंने 3 महीने के अंदर आरक्षण फिर से बहाल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और करते नहीं है, इसलिए ओबीसी रास्ते पे 26 जून से आएगा, उसके बाद में कोर्ट में भी जाएगा भारतीय जनता पार्टी, और कोर्ट में इन्होंने 3 महीने के अंदर ये आरक्षण के लिए पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।